सो गाइस राइट नाउ हम लोग अभी दिल्ली में हैं। तो जैसे कि हम चंडीगढ़ से दिल्ली आए और दिल्ली से अभी दिल्ली थोड़ा घूमेंगे। मेरा दोस्त है आ रहा है, ये मेरा बाइक है इधर और हमारा होटल है, होटल डी हॉक्स एकदम हम सामने ही है। और इधर देख पा रहे हो पुलिस वगैरह ऐसे पकड़ रहा है क्योंकि विदाउट मास्क में। तो अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में मेरा जो दोस्त है नवाब वो आ रहा है और पता नहीं आ भी नहीं रहा है क्या हुआ। और अभी उसके वजह से हम घूमेंगे भी इधर और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है इधर और मास्क मैंडेटरी है। विदाउट मास्क तो आपको चलान कट जाएगा। जैसे कि अभी अभी पुलिस अभी अभी आके मेरे को बताया कि इधर क्या क्या है, चाय पी रहे थे ना इसलिए थोड़ा मास्क लगा था यहाँ पर। तो अभी ये जो केएफसी है केएफसी के सामने रुकते हैं, उसके बाद मेरे दोस्त को आने देते हैं। अच्छा मेरा दोस्त आ गया, लोटस कंपनी मेरा दोस्त आ गया नवाब और अभी हम घूमेंगे लोटस टेम्पल। वो कार लेके आया है। হ্যালো গুড জি দেখিছিস তো হ্যাঁ সেখানে এগুলো পোস্ট আছে গুড তো ভালো ব্লগ হয়ে যাবে হ্যাঁ ফেসবুক আছে থাকবে না ভাই আমার না না আমরা ফেসবুকে আর ও অত আর অ্যাক্টিভ নেই ও তো 24 ঘন্টা লাইভ সকালে সকালে উঠেই গেল ঠিকই সকালে লাইভ বাচ্চা বেজে যাব না তো লাইভ কত সস্তা 450 টাকায় এইটি। সো গাইস আবি হাম কুতুব মিনার আ গে, সামনে দেখ পা রে হো কুতুব মিনার আর ইদার হাম ঘুমেঙ্গে ঠিক আছে ইদার হাম ঘুমেঙ্গে ফিরেঙ্গে থোড়া। तो ये रहा कुतुब मीनार और हम सब कुतुब मीनार आए दिल्ली में। तो गाइस अभी कुतुब मीनार आ गए, आप लोग देखो कुतुब मीनार। और दोस्त का भी दोस्त है अर्पिता, फोटो तो ओ भाई भाई बहुत हिस्ट्री है लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमारे दूसरा कोई प्लान है यहाँ से जाने का और रात में देखते हैं यहाँ का नाइट नाइट जो दिल्ली है वो वाला भी घूमना है कैसा है वो भी देखना है। सो ये वाला भी जगह मस्त अच्छा है लगा बहुत। तो चलो नेक्स्ट वाले जगह पर तो गाइस अभी हम लोग लाल किला आ गए और ये हमारा लाल किला। तो दिल्ली में तो ये बहुत फेमस है लाल किला। अभी हम आए हैं फोटो ले रही है
तो गाइस अभी हम लोग लाल किला आए हैं और मेरा दोस्त नवाब हेलो हम लोगों को घुमाने के लिए दिल्ली पूरा घुमा रहे हैं अभी। और अर्पिता मास्क पहन रही है और देखो लाल किला कितना खूबसूरत है। बोल भी दिया जी मास्क पहन रही है, वाह किसी को पता ही नहीं लग रहा कि मास्क कुछ बोलना है। कैसे घूम रहे हो दिल्ली में? बहुत अच्छा। तो मेरा दोस्त है तो इधर का जानकारी इसके पास है, कभी तो हम दिल्ली नहीं आए तो फर्स्ट टाइम दिल्ली आए और अच्छे से घूम रहे हैं। पहले हम लोग गए वो क्या था कुतुब मीनार, अभी लाल किला, ठीक है जामा मस्जिद, इसके बाद आएगा जामा मस्जिद। और वीडियो को देखते रहना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। लाइक कमेंट क्यों क्या लाइक कमेंट नहीं चाहिए? हाँ लाइक कमेंट तो जरूर चाहिए, चाहिए। तो गाइस अभी हम जामा मस्जिद आएंगे आ रहे हैं। इधर देखो सब कुछ बिक रहा है, जो चाहिए सब मिल जाएंगे। वो जूतों दे मेरे भाई, ये बच्चे का भी है, दो हजार वाला 350 का मेरे भाई। जूता देखो भाई, सेल में आ गया भाई। हम लोग के सामने है लेकिन सब लोग। तो गाइस अभी हम जामा मस्जिद आ गए। तो गाइस ये जामा मस्जिद बहुत भीड़ है इधर। बिरयानी रख दम करे पा जाए। तो गाइस अभी हम दिल्ली में हैं और मेरा जो दोस्त थे नवाब, हाँ तो पूरा दिल्ली वाले फिल्म्स आने के लिए मेरा दोस्त ने पूरा प्लान किया है। तो अभी है हम दिल्ली वाले एक दिल्ली नहीं है गुड़गांव है, तो गुड़गांव में हमारा अभी का लोकेशन है और ये पूरा अरेंज किया है। बैक का तो व्यू अभी नहीं आएगा नाइट में, तो चलो अंदर का चलते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। पूरा मस्त व्यू है। नवाब एक बार हाई कर रहे, ये पूरा व्यू है नवाब, मेरा दोस्त और मेरे यार और मेरे भाई सब अरेंज किया है। व्यू देखो बढ़िया वाला है। हाँ उस दिन नहीं दिखाई दिया ना, उस दिन मैं अकेला बाइक लेके उधर आया था। हाँ तो हमारे लिए पूरा ये रूम वगैरह बुक किया है। और इधर और एक भाई आ गया, चांदनी चौक का भाई, हेलो। और भाई का दोस्त प्रवेश, हाँ इधर पूरा एकदम हाँ मस्त एकदम अरेंज किया है हम लोगों के लिए भाई वो भी है। और ये तो भाई को देखो वो लाल किला, और लाल किला नहीं वो क्या किला में गए थे, कुतुब मीनार। तो हम कुतुब मीनार में गए थे तभी तो देख लिए। इधर पार्टी करेंगे और वीडियो देखते रहना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हाँ
गाइस राइट नाउ हम लोगों का प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया और अभी हम लोग दिल्ली से ट्रेन बाइक को ट्रेन में लेके जा रहे हैं और हम फ्लाइट में जाएंगे। तो अभी इधर बाइक हमारा है और बाइक के अंदर तो अभी बहुत सारा तेल है, वो तेल फेल निकालेगा, उसके बाद बाइक को इधर डालेगा, उसके बाद ये हावड़ा स्टेशन में जाके रुकेगा और हम लोग फ्लाइट में चले जाएंगे। थोड़ा तो प्लान कैंसिल हो गया, अब सभी बंदे देख रहे हैं। हाँ ये आप उनकी गाड़ी है, आप उनकी गाड़ी। तो अर्पिता का एग्ज़ाम है इसलिए हम जा रहे हैं फ्लाइट से, नहीं तो हम बाई रोड चले जाते। और इधर मेरा एक दोस्त है जो नवाब है, वो सभी इंतज़ाम वही करा, बाइक कैसे लेके जाना है, मेरा वो लगेज वगैरह उधर से पार्सल हो गया सब कुछ। तो गाइस ये बैग खरीदे हमने और इसमें अर्पिता पूरा शॉपिंग कर रहा है और बाइक वगैरह कर रही है और ये बैग लेके हम सरोजिनी मार्केट जाएंगे, उधर भी खरीदेगा। और बाइक वगैरह तो हमने ट्रेन में डाल दिया, हमारा जो बाइक वाला लगेज था वो भी डाल दिया। अभी जा रहे ओला करके और आज रात को हमारा वो फ्लाइट है। सब कुछ तो चला गया ट्रेन में, अब जो सामान खरीदा था वो भी नहीं है अभी। यही है एयरपोर्ट के अंदर, देखो कितना बढ़िया वाला शॉप है और इसका दाम मुंबई में सबसे ज़्यादा है। आज ये हमारा बाड़ी चले जाए, वो हम लोग आज घर चले सो गए। हम लोग अभी आ गए, थोड़ा खाना वाना खाएंगे। भाई क्या प्राइस है देखो, इडली सांभर रेडी। आज हम लोग घर चले जाएंगे, एक बड़ा लंबा टाइम आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे जो ट्रिप चल रहा था वो ट्रिप का लास्ट डे है आज। आज हम लोग घर जाएंगे फ्लाइट से, क्योंकि दिल्ली में आने के बाद बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, इसकी वजह से हमारा लगेज भर गया था और ज़्यादा करके अर्पिता का। तो इधर से हम लोग बाइक और जो हमारा ये है लगेज है सब पार्सल कर दिया हमारा। हाँ पहले वाला जो बाइक का लगेज था जो भी था वो सब हम पार्सल कर दिया। उसके बाद आज सुबह हमने एक बैग खरीदा, वो बैग में हमने अर्पिता का और भी नया नया ड्रेस खरीदा, क्योंकि अर्पिता बहुत एक्साइटेड हो गया था, ऐसा हो गई थी। और मैं भी दो चार ड्रेस खरीद लिया। उसके बाद हम लोग फ्लाइट बुक किया। आज है ट्वेंटी, तो आज हम 7 तारीख को निकले थे और ये 5 तारीख को निकले थे ट्रेन में और 7 तारीख से हम घूमना स्टार्ट किया, तो 15 दिन हो गया हमारा ट्रिप। तो इस ट्रिप में ट्रेन था, इस ट्रिप में बाइक था, बाई रोड था और घर में जाएंगे अब प्लेन में। तो सब कुछ था, एडवेंचर था, थ्रिल था, मज़ा था, दोस्त था, खाना पीना, नया जगह घूमना, बर्फ़ से खेलना, बहुत कुछ। तो ये सब वीडियो देखना प्लीज़, ये सब जो हम वीडियो पहले से बना हुआ है वो सबको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर ज़रूर करना। अर्पिता तुम कुछ कहो। तो गाइस इधर दारू मिल रहा है फुल।
भाई दिल्ली में दारू बहुत सस्ता है और सभी दारू मिल रहा है। और सोच रहे हैं कि हम नहीं ले क्योंकि हम ये सब तो नहीं खाते पूरा दारू। देखो एयरपोर्ट के अंदर सब 5-5 लीटर दारू मिल ले लिया सब ने। तो गाइस एयरपोर्ट में दिल्ली में तो दारू के ऊपर ड्यूटी नहीं लगता तो इसलिए इधर एक आदमी 6 बोतल तक दारू खरीद सकता है इधर से। और देखो मैंने अभी दारू खरीद लिया। अर्पिता के लिए भी ले अर्पिता आईडी से ले रहा था लेकिन वो 25 साल नहीं हुई अभी तक तो दारू नहीं वो कर ही नहीं कर सकती। तो दिल्ली अभी तक हमको मौज दे रहा था अभी भी दे रहा है बहुत ज़्यादा। दिल्ली मस्त है यार यार दिल्ली बहुत मस्त है दिल्ली भाई। How you doing?